राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाहिस्तनोहरि। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पीछे मैंने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, छह लगन में हमें कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कैसे कैसे धारण करना चाहिए, मैंने आपको पूरी विधि विधान के साथ में आपको बताया है कि इन छह लगनों में हमें कौन से लगन में कौन सा रत्न हमारे लिए कारक है और हमें कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। अब जो बारी है आपकी, अब मैं आपको आज तुला लगन के बारे में बताऊँगा। मेरा वीडियो अब लास्ट तक देखें तुला लग्न के बारे में कि तुला लग्न में आपको कौन सा रत्न सूट करेगा, कौन सा आपके लिए रत्न बढ़िया है, इसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा वीडियो शर्त यही है, आप अंत तक जरूर देखें। इसके साथ मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, वो भी आपको ज़रूर मिलेंगी। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। मैं चाहता हूं जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, कि जितना जल्दी आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल पुष्ट बटन दबाएंगे, उतना ही जल्दी वीडियो हमारा आपके सामने नोटिफिकेशन के साथ आ जाएगा कि ये पंडित जी ने वीडियो डाला, आप देखिए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न का नंबर 7 होता है, आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है। यहाँ 7 नंबर होगा तो तुला लग्न है, 1 नंबर होगा तो मेष लग्न है, 2 नंबर होगा वृष लग्न है। ये भाव है लग्न का और ये लग्न भाव कभी नहीं बदलता, इसमें नंबर बदल जाता है लेकिन भाव नहीं बदलता, भाव लग्न ही रहेगा। नंबर 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी आ सकता है। आज इसमें नंबर आएगा 7 और 7 नंबर जो होता है वो तुला राशि का होता है। उस तुला राशि में आपने क्या पहनना है, कौन सा रत्न आपने धारण करना है जो आपको फ़ायदा करे, मैं आपको उसी के बारे में जानकारी आज देने वाला हूँ। रत्नों का एक नियम है, हमारे चार भाव होते हैं केंद्र के, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव, ये चार भाव केंद्र के होते हैं। पांचवां भाव, नवा भाव, ये तो हमारे केंद्र होते हैं और जो लगन है वो भी केंद्र आती है। लगन को भी हम केंद्र भी मानते हैं इसको, और ये हमारे लिए लगन त्रिकोण भी है, लगन का भाव त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। और एक हमारा त्रिकोण का भाव ये पंचम है, ये भाव नवम है, 2-3 त्रिकोण है और इसमें 4 हम केंद्र कहते हैं। तो जो इनका जो नियम है रत्न पहनने का वो ये है कि केंद्र का जो लग्नेश है उस लग्नेश का जो मित्र होगा, जो केंद्र में बैठा होगा या केंद्र में उसकी राशि होगी या त्रिकोण में उसकी राशि होगी और जो लग्नेश का मित्र होगा, हम उसी का ही रत्न धारण कर सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण, ये 6 भाव हैं, 4-5 भाव हैं। इन पांचों भावों में पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, इन 3 भावों के हम रत्न पहन सकते हैं। चौथा, सातवां, दसवां, अगर इनमें कोई अगर लग्नेश का मित्र है तो उसका रत्न भी हम धारण कर सकते हैं। इसका सूत्र यही है कि जो लग्नेश का मित्र है वो चाहे त्रिकोण का स्वामी है चाहे वो केंद्र का स्वामी है, उसका रत्न हम पहन सकते हैं। तो तुला लग्न के अंदर सबसे पहले 7 नंबर आता है, तो 7 नंबर में तुला राशि आती है, इसका स्वामी शुक्रदेव है। शुक्रदेव के लिए आपने हीरा पहन सकते हैं, आप ओपल पहन सकते हैं। ओपल के बाद आप जो है इसके अंदर एक पीला जरकन आता है, आप पीला जरकन भी पहन सकते हैं। हीरा आपने गोल्ड में पहनना है, ओपल सिल्वर में पहनना है और जो जरकन है आप वो भी गोल्ड में पहन सकते हैं। ये आपको मैंने इसके बारे में धातु बताई है कि कौन सी धातु में आप क्या पहन सकते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। चतुर्थ भाव में शनि की राशि है, ये लग्नेश का मित्र है, हम यहाँ भी चतुर्थेश का लग भी पहन सकते हैं और पंचमेश का पहन सकते हैं। पंचमेश चतुर्थेश दोनों में एक हैं, ये इसके लिए पूर्ण कारक ग्रह, तुला लग्न के अंदर शनि पूर्ण कारक है, आप इसका नीलम पहन सकते हैं। तो नीलम चौथे भाव का काम भी करेगा और पंचम भाव का भी काम करेगा। नीलम अगर नहीं पहन सकते इसके आप नीली पहन सकते हैं, नीली नहीं पहन सकते जामुनिया कटेला वगैरह भी आप इसमें धारण कर सकते हैं। और इनमें से कुछ नहीं लेते हैं आप, वो सुलेमान हकीक आती है, आप सुलेमानी हकीक धारण कर सकते हैं, ये इसके लिए बहुत बढ़िया। काली हकीक होती है, सुलेमानी हकीक, ये आप धारण कर सकते हैं, तो ये शनि के लिए प्रभाव के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिर भाव करते हैं, हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में जो राशि है वो मिथुन राशि है, स्वामी बुध है और लग्नेश का मित्र है, हम इसका भी रत्न धारण कर सकते हैं। अब आपको मैं सारी चीज़ इसमें क्लियर करता हूँ। लगन का मतलब होता है हमारा शरीर, हमारे शरीर की संरचना, हमारे जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है, इस माइंड का संतुलन कैसा है, कैसी इसकी स्थिति है, दिमाग की किस किस ग्रह का हमारे यहाँ सिर पे प्रभाव है, लगन पे किस किस का प्रभाव है, उसी ग्रह के हिसाब से हमारा ये दिमाग काम करता है।
शनि का प्रभाव होगा चतुराई आएगी, सूर्य का प्रभाव होगा तेज आएगा, मंगल का प्रभाव लग्न पे होगा तो थोड़ा आदमी क्रोध आता है, चंद्रमा का प्रभाव होगा तो दिमाग शांत रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव होगा तो विद्वान होता है, और अगर बुध का प्रभाव है तो वो फिर विद्वान होगा और उसमें थोड़ी कंजूसी होगी और वो बढ़िया जैसे काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लग्न पर जिस जिस ग्रह की दृष्टि आती है उसके हिसाब से ही ये सब काम होता है। और हमारे अगर इसमें कोई दिक्कत है लगन के लिए, वो लगन वो हमने अगर थोड़ा बल देना है तो उसके लिए हम इसका नग धारण कर सकते हैं। यही बात पंचम भाव पर लागू होती है, चतुर्थ भाव पर लागू होती है, क्योंकि इसमें चौथा और पांचवें भाव का मालिक एक ही शनिदेव है। तो आप जो शनि का नीलम रत्न पहनना है तो चौथे भाव में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जमीन जायदाद वगैरह में, माता के प्यार में कोई दिक्कत आ रही है, या मकान वगैरह बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, वाहन वगैरह लेने में, खरीदने में, बेचने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आप जो है चौथे भाव के स्वामी का रत्न पहन सकते हैं, आपको उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पंचम भाव है, इस पंचम भाव से संबंधित जो जो चीज़ होती है, पहला संतान होती है, विद्या होती है हमारी, बुद्धि होती है हमारी, इसमें हम सट्टा वगैरह भी देखते हैं, यार दोस्तों का क्या प्रभाव वो भी इससे हमें पता चलता है, क्योंकि इसके सामने एकादश भाव है, उसमें हमारे दोस्तों का घर है, उसकी दृष्टि भी इस पर आती है, तो कुछ प्रभाव यार दोस्तों को पड़ता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी संगति कैसी होगी, हमारी संगति कैसे लोगों के साथ होगी। तो इसमें अगर कहीं गलत प्रभाव आ रहा है तो आप इस पंचमेश का रत्न भी धारण कर सकते हैं, नीली या नीलम पहन सकते हैं। नीलम थोड़ा अगर आपको फेडोवल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीली पहन सकते हैं, नीली भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की और थोड़ी भारी आपको पहननी चाहिए। जैसे नीलम तो 5 रत्ती 6 रत्ती का काम कर जाएगा, तो नीली वहाँ कम से कम आपको 11 रत्ती की लेनी चाहिए, 11 की लोगे तो थोड़ा सा आपको लाभ देना शुरू कर देगी। और उसी प्रकार हम जब सप्तम भाव को देखते हैं तो यहाँ मंगल है, तो मंगल बुध का इसका शुक्र का मित्र नहीं है, तो इसका रत्न हम धारण नहीं कर सकते। उसी प्रकार दशम भाव देखते हैं, यहाँ चंद्रमा की राशि है तुला लगन से, तो जब तुला लगन से चंद्रमा की राशि बनती है तो चंद्रमा भी इसका शुक्र का मित्र नहीं है, हम इसका भी रत्न धारण नहीं कर सकते। हालांकि चंद्रमा की किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा का आपस में थोड़ा मेल नहीं बनता है, इसलिए हम इसका रत्न भी धारण नहीं कर सकते। भाग्य का रत्न है, इसका स्वामी बुध बनता है, तो बुध का रत्न पन्ना हम धारण कर सकते हैं। तो इस लगन के अंदर आपने शुक्र के लिए हीरा, बुध के लिए पन्ना और शनि के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया, अगर कोई नग आपने धारण करना है, शनि का नग आपने मध्यमा धारण करना है, शुक्र का रत्न आपने जो पहनना है, अगर आपने पीला वो पहनना है जरकन, तो आपने जो आपकी उंगली होती है ये इस उंगली में धारण करना है आपने तर्जनी वाली में, और अगर आपने ओपल पहनना है तो मध्यमा धारण करना है, ओपल मध्यमा में, और या हीरा पहनना है तो वो भी आपको बीच वाली जो उंगली होती है इसमें इसमें पहनना है, और अगर आपने पीला जरकन पहनना है तो वो आपको इसमें पहनना पड़ेगा, जो आपकी तर्जनी उंगली बनती है इसमें आपको पीला जरकन पहनना, और शनि का जो है वो भी मध्यमा आपने नीलम पहनना, नीलम हो, नीली हो, कटेला हो, जामुनी हो, कोई भी हो, वो आपने यही पहनना है, इस वाली उंगली में, बीच वाली में आप उसमें पहन सकते हैं। बुध का जो रत्न है वो आपको मैंने सबको बता रखा है कि जो चित्त की उंगली होती है, जिसको हम सबसे छोटी उंगली बोलते हैं, इस उंगली में आपने उसको धारण करना है। धारण करने की विधि मैंने आपको बताई है कि जिस दिन आपने कोई भी रत्न पहनना हो उसी दिन पहले रात को उसको कच्चे दूध में डाल के आप रख दीजिए, सवेरे निकालिए इसको, उसको पहले जल से स्नान कराइए रिंग को, उसके बाद गंगाजल से स्नान कराइए, उसके बाद हमारे यहाँ सोर्स ऑफ जाग पूजन होता है 16 प्रकार का, जैसे पादमर्दम आचमनम वस्त्रम धूपम दीपम चंद्रम नैवेद्यम तामूल पुंगी फल लौंग लियाईचिम, ये सब हमारे यहाँ ना एक पूजा का विधान है कि 16 प्रकार की इसकी पूजा की जाती है। तो उस रिंग की आपने 16 प्रकार की पूजा करनी है, पूजा करने के बाद उसको आपने एक माला का, जो उस रिंग का स्वामी है, अगर शुक्र बनता है तो शुक्र का मंत्र, शनि बनता है तो शनि का मंत्र, और बुध बनता है तो बुध का एक माला मंत्र का आपने जाप करना है, और जाप करने के बाद में आपका जो इष्ट हो उस इष्ट का ध्यान लेके आप उसको धारण कर सकते हैं। तो आपने जो भी रंग पहनना है, शुक्र का पहनना है तो शुक्र की वस्तु का आपको शाम को दान करना पड़ेगा, शनि का पहनना है तो शनि की वस्तु का आपको शाम को दान करना पड़ेगा, और आपने अगर बुध का कोई रंग डालना है तो बुध के जो दान करने की चीज़ होती है हरी चीज़ें, आपको उनका शाम को दान करना पड़ेगा। बिना दान किए कभी रत्न नहीं पहनना चाहिए, और बिना उसको पूरी तरीके से पूजा किए रत्न नहीं पहनना चाहिए, उसके मंत्रों का जाप पूजा अगर आप कर सकते हैं तो एक माला का हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से उस रत्न में पावर आती है, पावर आएगी तो वो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा आपको लाभ करेगा, ज़्यादा फायदा करेगा। मित्रों, मैंने आपको भी तुला लग्न के बारे में बताया कि तुला लग्न में हम क्या क्या पहने, कैसे पहने। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है आपके सामने, मैं उसको आपको बताऊँ वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि क्या है, कैसे है, कौन मालिक है, कौन स्वामी है, उसके लिए हमें क्या रत्न धारण करना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, अगला मेरा जो वीडियो होगा वृश्चिक राशि का होगा, वृश्चिक लग्न का।
कि वृश्चिक लग्न में आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। आप लाइक करें या डिसलाइक करें वो आपकी मर्ज़ी है। अगर डिसलाइक करेंगे तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको क्या कमी नज़र आई है, उस कमी को मैं आगे दूर करने की कोशिश करूँगा। इनके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।